Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. कैसे आप लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. आज जो है ना, मैं गुजर रही थी गुलशन के एरिया से, जिसको बेकरी से आगे की जगह है, और मैंने एक चीज़ देखी और देख के ना वो मुझे फ़ौरन अट्रैक्ट कर गई. आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अट्रैक्शन जिससे मिल रही हो, तो फिर वो मैंने बिल्कुल नई चीज़ देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ज़बरदस्त लगा. कहते हैं ना, इन्वायरमेंट और जो अट्रैक्शंस होती हैं वो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. और अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप कोई चीज़ ऐसी देखते हो जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, तो आप फ़ौरन रुक जाते हो, ओ भाई इसको देखते हैं, चलते हैं अंदर, ट्राई करते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज़. और एज़ यूजल मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, कोई पिज्ज़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छा है. जब आप देखेंगे आपको भी देख के अट्रैक्शन हो गया, बड़ा मज़े का लगेगा आपको और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है. तो क्यों ना आज मैं आपको दिखाऊँ वो नई चीज़, मेरे साथ चले मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ जी, तो फिर नज़र आया आपको जो जहाँ मुझे मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ये है, येलो टैक्सी. और ये गुलशन के एरिया में कॉन्टिनेंटल से बेकरी से आगे जब हमने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन हुई और मैंने बोला भाई क्या ऐसी चीज़ें जो इन्होंने येलो टैक्सी बनाई. अच्छी ये जो टैक्सी है वो हमारे पाकिस्तान वाली टैक्सी नहीं है, ये न्यूयॉर्क में जो टैक्सी चलती है ये वो वाली टैक्सी का कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया हुआ है जो मैं देख रही हूँ, जिसे देख के मैं भी अट्रैक्ट हुई और यकीन आप लोग भी अट्रैक्ट होगा. एटमोसफेयर जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत इन्होंने येलो कलर इसके अंदर, येलो एंड ब्लैक कलर जो है वो यूज़ किया हुआ है. तो लेट्स सी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये क्या चीज़ मिल रही है और इनका जो येलो जो टैक्सी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर पिज़्ज़ा को ही लिखा हुआ है, पिज़्ज़ा को डॉट लिखा हुआ है. तो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या है. मैं आपको दिखाया कि येलो टैक्सी का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, इनके ऑनर भी अंदर है तो वो लेके चलते हैं. मैं आपको दिखाती भी हूँ क्योंकि मैं जो है ना वो जब गुजर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इसका एटमोसफेयर. और आप देख रहे होंगे कि इसकी अगर आप करीब से दिखाएं इसको तो बहुत कोई ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है. और अगर कैमरा फोकस कर सके तो येलो टैक्सी लिखा हुआ अगर नज़र आता है, येलो गायब हो गया है बस, हल्का हल्का स्लो स्लो नज़र आ रहा है. तो अंदर लेके चलते हैं आपको, इसकी थीम बड़ी ज़बरदस्त है येलो और ब्लैक कलर की. तो आए अंदर चलते हैं. बाहर से मैंने आपको दिखाया कि इसका अच्छा किसी भी जगह की जो भी आपको पता है कोई भी जगह हो, कोई ऐसे प्लेस में ना जहाँ हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो. सेकेंडली उसका एम्बियंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अट्रैक्शन के लिए, वही कि अट्रैक्शन जो है ना वो अट्रैक्ट करे कि कोई भी चीज़, तो फिर लोग जो है वो वहाँ पर आते हैं. और अगर एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है तो फिर आपको खाना खाने में और बैठने में सिटिंग में भी बड़ा मज़ा आता है. तो यहाँ की एम्बियंस मैंने आपको दिखाई बड़ी ज़बरदस्त है. तो आप पूछते हैं कि भाई येलो जो टैक्सी का कॉन्सेप्ट है इनका वो क्या है, क्योंकि न्यूयॉर्क की है टैक्सी. तो हम यहाँ पर जो है ना वो इनसे पूछते हैं कि हमें बताएंगे क्या क्या है और जो येलो टैक्सी के अंदर क्या क्या भाई चल रहा है, क्या क्या जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हम इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं. न्यूयॉर्क में जो है पिज्जा ब्रांड था, पिज्जा के नाम आपकी ब्रांच न्यूयॉर्क में है या वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया? वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया. अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि कॉन्सेप्ट आपने रखा येलो टैक्सी, आप इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास? पिज्जाज हैं, लज़ानिया हैं, पास्ता से सैलड्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं हमारे पास. ठीक है. अच्छा, ओपनिंग कब हुई आपकी? मैंने तो आज ओपनिंग हमारी 1 वीक पहले हुई है. और कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको? अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. और यहाँ पर पीछे जो है ना वो हम देख रहे हैं जो मेन्यू है वो सारा चल रहा है, तो उसके जरिए
बेहतरीन सर्विस है, बेहतरीन फूड्स हैं, आप पाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा भाई, जैसे कि हम लोग देख रहे भाई, इनकी जो है वो डबल फीस्ट और सुपर सेवर और बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी यहाँ पर। अच्छा, स्पेशलिटी जो है ना वो इनकी पिज़्ज़ा ही है, और मैं देख रही हूँ कि क्योंकि पेपरोनी है और बहुत सारे जम्बो पिज़्ज़ा वगैरह इन्होंने दिखाए हुए, और यहाँ पर ये रहा इनका मेन्यू कार्ड जो मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। अच्छा ये देखें, इसमें मीडियम पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा। अच्छा पिज़्ज़ा जो है ना वो इनकी स्पेशलिटी है, और इसके अलावा देखें आप इनकी डील्स भी लगी हुई हैं, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी यम्मी डील्स हैं इनकी, और ये आप देख सकते हैं। पूछा था कि भाई पिज़्ज़ा तो हम लोग बहुत सारे खाते हैं, लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी क्या है कि जो भाई हम बोले कि भाई यहाँ पर जो है ना भाई ये पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा है, या जो है ना वो आपकी जो स्पेशल चीज़ है वो क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि 3 लेयर पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी वो डिलीवर भी करने वाले हैं पिज़्ज़ा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी जो शक्ल है, क्योंकि पिज़्ज़ा जो कहते ना खाने की जो क्या बोलते हैं उसको प्रेजेंटेशन है, वो देख के अगर मुँह में पानी आ जाए तो फिर जो है ना वो हर जगह इंसान जो है ना वो चाहे घर की बात हो चाहे किसी भी जगह की बात हो तो वो कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी अभी मैं आई थी तो बाहर मैंने देखा था क्राउड है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं आप, मेरा कैमरा फोकस कर रहे हो कि इस साइड पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है ना अभी इसका क्राउड हो गया और काफ़ी रश हो गया। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको भी अपने वीडियो में भी दिखाया, और मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर सैलड वगैरह जो है फोकस करें, अगर आप देखें रशियन सैलड है, एप्पल कैबेज सैलड है, पोटैटो सैलड है, मैक्रोनी स्पैगेटी, फ्रेश सैलड, टोमेटो स्लाइस, मतलब कहते हैं ना कि आप जो है सारी सैलड जो है वो इंजॉय कर सकते हैं रशियन सैलड में, क्योंकि अभी इस वक्त मटर का मौसम है तो वो चल रहा है। अच्छा अनियन रिंग्स भी हैं, लोग पसंद करते तो अनियन रिंग्स, टोमेटो और ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर रखी हुई। अच्छा ये फ्रेंड ड्रेसिंग है इनकी, ये देखें तो ये इस तरीके से, और ये 1000 ड्रेसिंग है इनकी। व्लॉग देखने के लिए मज़ा आया होगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया कि यहाँ की अम्बियाज देखे, और अट्रैक्शन जो है ना वो बड़ी बहुत अट्रैक्टिव मॉल है, और बड़ा पीसफुल मॉल है, और बड़ा अच्छा है, और कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी हो या फिर कोई भी घर का लाइफ स्टाइल हो या किसी जिसकी जैसे रेस्टोरेंट है या होटल है उसकी जगह हो, वहाँ पे जो कलर है ना वो अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आपको भी मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का अम्बियाज और यहाँ का इन्वायरमेंट, और यहाँ की जो खाने हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त है, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। मैं आपको फिर बताती हूँ उसकी लोकेशन, क्या आपने आना है गुलशन में जो है वो डिस्को बेकरी से आगे ही आपको बड़ी सी एक टैक्सी नज़र आएगी, और आप खुद रुक जाएंगे, और जब रुकेंगे तो फिर आप उसके अंदर ज़रूर आइएगा और यहाँ की चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं जो है ना वो उन सबका भी जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो थैंक यू, कि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉमेंट भी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कॉमेंट आने शुरू हो जाएंगे, और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वही बातें आगे नहीं बढ़ सकते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लगा दूंगी। शांत रहे, आवाज रहे अपने प्यारे के साथ, अल्लाह हाफिज़।